नमस्कार आपण देखुछंती सारा ओडिसा बुलेटिन वर्तमान सबुठ बड़ खबर भारत चीन सैनिकों मध्य संघर्ष भारत कोड़े जवान शहीद सोमवार राति एलएसी रे भारत और चीन सैनिकों मध्य होता संघर्ष भारत कोड़े जन जवान शहीद होती आउ संघर्ष जड़े कर्णेल और दुईज जवान शहीद होता नहीं पूर्व खबर आसा किंतु संवाद सरबराह संस्था एएनआई पक्ष आ खबर अनुजाई भारत कोड़े जन जवान होती शहीद चीन रो मध्य 43 जन सैनिक मृताहत होइतिबा सूचना मिली। भारत एवं चीन सैनिकों मध्य जो संघर्ष घटी दिन बेला भारत 20 जवान शहीद होता वर्तमान सुधा सूचना आसी तेरे सोमवार राति भारत और चीन सैनिकों मध्य होता संघर्ष भारत 20 जन जवान शहीद होती ए संघर्ष जड़े कर्णेल दुईज जवान शहीद होता नहीं पूर्व जहां खबर आसा वर्तमान एएनआई पक्ष आबर अनुजाई 20 जन जवान शहीद होती भारत और चीन रो भी 43 जन सैनिक मृताहत होता सूचना मिली। एएनआई पक्ष सूचना आसी भारत 20 जन जवान सैनिक शहीद होती सोमवार राति एलएसी जो भारत और चीन सैनिकों मध्य होता संघर्ष जो 20 जन जवान भारत शहीद होती चीन 43 जन सैनिक मृताहत होता सूचना एएनआई कोड़े जन जवान शहीद होती भारत एलएसी संघर्ष पूर्व खबर था संघर्ष जड़े कर्णेल और दुईज जवान शहीद होते कि वर्तमान एएनआई पक्ष सूचना आसी खबर आसी 20 जन जवान शहीद होती भारत और 43 जन सैनिक मृताहत होता सूचना मिली। कर्णेल शरत महापात्र पूर्वतन सेना अधिकारी आम सहित फुलाइन अच्छा आपको स्वागत करुच्ची बुलेटिन को श्रीजुक्त महापात्र कर्णेल महापात्र जो भाव में वर्तमान जो बड़ खबर 20 जन जवान भारत शहीद होती गोटे बड़ खबर और गोटे बड़ शक्त धक्का भी आमर कहीपर आम फोर्स को कारण जो संघर्ष घटी से चीन रो तो 43 जन मरी किंतु भारत 20 जन शहीद होती कर्णेल महापात्र शुणी पार्टी मो कथा आज्ञा कर्णेल महापात्र गोटे बड़ धक्का कहीपर कि भारत कारण 20 जवान एका थरके शहीद होती कौटना कौटी चीन सहित संघर्ष भारी पड़ी भारत को एक क्षेत्र में कौन पदक्षेप ना दरकार निश्चय एटा गोटे बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण एवं बड़ मर्मांतक घटना कारण गलवान घाटी रे जो पेट्रोल पॉइंट 14 अच्छी से पेट्रोल पॉइंट 14 रु चाइनीज सोल्जर तंगर पीपल्स लिबरेशन आर्मी विथड्र करनवार थिला से विथड्र करनवाटा एई जो गत 6 तारीख रे कोर कमांडर लेवल रो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल रो जो कथावार्ता हेथिला से सिद्धांत होता गत काली से गलवान घाटी का पॉइंट पेट्रोल पॉइंट 14 रु विथड्र करिवार थिला किंतु सेटा को चेक करिवा पाई आमर 6 बिहार रो कमांडिंग अफिसर कर्णेल बाबू एवं आउ अन्य माने सेटारे उपस्थित थिले सेही समय रे दुई सेना मध्य रे जो उत्तेजना सृष्टि हेतला जहाँ फल प्रथम तीन जन भारतीय जड़े अफिसर एवं दुई जन नन कमिशन अफिसर शहीद होते कि वर्तमान जहाँ एएनआई पक्ष खबर आसुची जे भारतर 20 जन सैनिक 20 जन सेना सेनार सदस्य से माने शहीद होती चीन रो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रो प्राय 43 जन शहीद होवार मृत्युवरण कर जना जा निश्चय गोटे उत्तेजनामूलक गुरुत्वपूर्ण घटना एवं एथिपाई भारतर प्रधानमंत्री भारतर प्रतिरक्षा विभाग मंत्री तीन सेनार अधिकारी एसब भितर आलोचना चली वर्तमान राजनाथ सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्राइम मिनिस्टर सहित साक्षात कला परे वर्तमान से माने गोटे आलोचना परे जो जो सारांशटा दियंती प्रेस नोट रे वर्तमान दवार चान वर्तमान आसुची समय आसुची से संपूर्ण तथ्य जना पड़ सठिक भाव केते जना आमर शहीद होती केते चिन्ह कौन
कर्नल महापात्र आउ गोटे कथा है सब बेले भारत पाकिस्तान युद्ध देखा मिले संघर्ष देखा मिले जो थे कि जवान शहीद हमें बर्तमान आउ गोटे पटे आउ गोटे शत्रु चीन उपजी छिड़ा तो यह क्षेत्र में किभली पदक्षेप ना दरकार जो चैलेंज आसना करवा दरकार देखो एटा वर्तमान जो गंडगोल दुई देश मध्ये चली थिला एटा समाधान पाई आलोचना हेछि आलोचना चली छि इवन गत काली मध्ये आलोचना हेछि आज मध्ये आलोचना हेछि ए आलोचनार निष्कर्ष कौन बाहरला तागा सिद्धांत हेबा पूर्वरु एभली जो घटना घटी निश्चय दुर्भाग्यपूर्ण एवं यो घटना घटी आ द्वारा यो घटनार स्थितिटा को आउरी एस्कालेट करिवो जहाँ फल आर दिगटी गोटे भिन्न मोड़ नबार चांस होची दुई परस्पर पड़ोशी राष्ट्र जो कि दुई जन दुईट देश न्यूक्लियर पावर्ड बर्तन यहां परिस्थिति जदि या संघर्षमय परिस्थिति उपजे तेणु ये निश्चय गोटे गोटे बड़ सांघातिक घटना सृष्टि हेबो एवं वर्तमान सारा पृथ्वी रे जो करोना ग्रास कर समस्त सब सब देश रे बर्तन से समय रे एभली गोटे युद्ध परिस्थिति को कहीं आह्वान करूनाहांती बा चाहती ना तेणु वर्तमान किभली जो घटनार प्रशमित हेब आर उत्तेजना किभली ह्रास हेब ता प्रचेषा करने विश्व समुदाय जदि अंटा न भिड़ब यार परिस्थिति परिणाम आगक आहरी भयंकर हे बहुत धन्यवाद आपंक प्रतिक्रिया पूर्वतन सेना अधिकारी कर्णेल महापात्र जहाँ कहते जदि वर्तमान कोरोना संकट और ता भितर जदि एभली परिस्थिति आहरी अणायत हुए तेज आहरी विश्वपाई नुहे आम देश तो क्षतिकारक हो क्षेत्र में विश्व समुदाय एकाठी होगा दरकार कड़ा पदक्षेप ना दरकार और शांतिपूर्ण वातावरण भितर यह समस्या समाधान करा दरकार हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रांग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज़ का चाइना को ज़रूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे दो जवान इनको आपने शहीद करवाया है तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे The Chinese had come with a intention of staying put and India has made it very very clear to China that there is no question of are giving in to any of their demands. We are not going to stop the infrastructure development work on our side, nor are we going to barter away an inch of our territory. Chinese would have to vacate the aggression at all cost. बड़ झटका भारत पाई कारण भारतर 20 जवान शहीद होती जो संघर्ष होता सोमवार राति भारत और चीन सैनिकों मध्य संघर्ष भितर कौटना कौटी समस्ते चाहते शांतिपूर्ण वातावरण कारण गोटे पटे विश्व समुदाय को कोरोना संकट ग्रास करोना मुकाबला क्षेत्र में गोटे बड़ यह एक झटका कहपर कारण 20 जन जवान शहीद होती अंपटे जदिव चीन 43 जन सैनिक मृताहत होता सूचना मिली किंतु भारतर 20 जवान जेहेतु शहीद होती एक क्षेत्र में वर्तमान आगामी दिन में कौन पदक्षेप होबा देखा बाकी रहा कारण आज जो भाव में प्रतिरक्षा मंत्री आलोचना कर प्रधानमंत्री एक क्षेत्र में आलोचना कर समस्ते आशा करदियों वर्तमान समय कड़ा जवाब देवार चीन को कारण यह संघर्ष हो जो समय आपोष बुझामणा दरकार समाधान दरकार किंतु तार भितर कोरोना मुकाबला चली पूरा विश्व एक क्षेत्र में संघर्ष करुछि एवं अन्यपटे चीन भारत मध्यरे एभली संघर्ष दुर्भाग्यपूर्ण एवं एक क्षेत्र में कौन आगामी दिन में पदक्षेप नियाजाउछि भारत भारतीय प्रतिरक्षा विभाग तरफ सैन्य मानक तरफ ताहा देखिबा को बाकी रहिला एवं आजिरो आलोचना परे कौन निष्कर्ष बाहरुछि ताकु ही अपेक्षा रहिछि सोमवार राति एलएसी रे भारत और चीन सैनिकों मध्य होता संघर्ष जो भारतर 20 जन जवान शहीद होती एनआईए एने स्पष्ट कर चीन 43 जन सैनिक मृताहत होती लद्दाखर गलवान उपत्यकार जो भारत चीन मुहांमुही से 20 जन जवान शहीद होती नहीं प्रधानमंत्री घर बैठक बस बैठक में अमित शाह एवं राजनाथ सिंह उपस्थित थे
ଏବେ ଚୀନକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଚୀନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଯବାନ ଶହୀଦ ହେବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। 500ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ମହାସଂଘ। 2021 ସୁଦ୍ଧା 1,00,000 କୋଟିର ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଖେଳଣା, ଲୁଗା, ହସ୍ତତନ୍ତ, ହାର୍ଡୱେୟାର, ଜୋତା ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ ହେବ। ପୋଷାକ, ରୋଷେଇ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଉପହାର ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ ହେବ। ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ବ୍ୟାଗ, ଘଡ଼ି, ଗହଣା, ଷ୍ଟେସନାରୀ, କାଗଜ ବର୍ଜନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଆସବାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ। ଚୀନ ନିର୍ମିତ ଗାଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଉଲ୍, ଫେଙ୍ଗସୁଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଚଷମା ସହ ହୋଲି ଓ ଦୀପାବଳି ସାମଗ୍ରୀ ବି ଆମଦାନୀ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ହେଲା। ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ହଟାଯିବ ସବୁ ଉଠା ଦୋକାନ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଦୋକାନ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ଏଣେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଠା ଦୋକାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପୌରପାଳିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏଥର 3 ରଥ ଗଡ଼ିପାରେ। କଟକଣା ଭିତରେ ହେଲେ ବି ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ 3 ରଥ ଟଣାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଲା ଆଉ ଏକ ସଙ୍କେତ। ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସଭବନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଭେଟି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର କିଛି ସଦସ୍ୟ। ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ କିଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ସରକାର ଓ ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ହେଉଛି ପଥ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସିଗ୍ନାଲ। ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ପାଇଁ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସଭବନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଭେଟି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ରଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ସେଠି ଆସିଥାନ୍ତା କାହିଁକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କେମିତି ଅବସାନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଯେ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ହେଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କାଳ ଭିତରେ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଫେଲ୍ ମାନେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା କଟକଣର ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ଭଲରେ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଣସରରେ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିବୁ। ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ୱରୂପ କିଭଳି ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ନୀତି ନିୟମରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ଦରକାର ସେ ନେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। କୋରାପୁଟ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦରକାର, ଏବେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ। ମହାୟନ୍ତ୍ରୋଁ କା ଯୁଗ ହେ, ଟେଲିଭିଜନ ଆଦି କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଆପ ରଥଯାତ୍ରା କା ଦର୍ଶନ କିଜିଏ, ରଥଯାତ୍ରା କା ସ୍ୱରୂପ କ୍ୟା ହୋଗା ଉସ ପର ତ ଫିର ବିଚାର କରନା ହୋଗା ନା, ସବ ଜବ ଆଏଙ୍ଗେ ତବ ମେ ବିଚାର କରୁଙ୍ଗା। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଭଳି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା, ସେଇ ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ତାକୁ ଜଗତକୁ ଶଙ୍କରାଜ ବିକଳ୍ପର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବିକଳ୍ପ ହୁଏ ତେବେ ଶଙ୍କରାଜଙ୍କୁ ନେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସେପଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏବେ 3 ରଥ ଉପରେ କଳସ ଏବଂ ଓଲଟ ଶୁଆ ଖଞ୍ଜା ସରି କନକମୁଣ୍ଡି କାମ ଚାଲିଛି। ଏଥିସହ ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଛି ଧ୍ୱଜବତା। ରୂପକାରମାନେ ଘୋଡ଼ା ସାରଥି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, 18 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା। 18ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଣାଣି ଥିବାରୁ ସରକାର ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
भुवनेश्वर निरुपमा बेहरा एवं पुरी कैमरामैन अमरेन्द्र मिश्रा सह अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया। समय को ब्रेक रो ब्रेक पर देखिबा आउ किछि खबर। ब्रेक पर स्वागत। कटक पुलिस मुख्य कार्यालय रे पुलिस डीजी गुरुत्वपूर्ण बैठक। बैठक रे अतिरिक्त डीजी रेलबाई, पुलिस कमिश्नर, अतिरिक्त डीजी गुइंदा, आईजी, डीआईजी प्रमुख उपस्थित थिले। बैठक रे पुलिस विभाग को सशक्त करबा दिगरे आलोचना होई छी। अतिरिक्त मानव संबल प्रदान करी राज्यर समस्त थाना को सशक्त करबा, थानार दैनंदिन कार्यशैली रे परिवर्तन करबा दिगरे पदक्षेप नै पारंती डीजीपी। कोविड कटकणा पालन करी अभियुक्त को गिरफ करबा, अनुसंधान और तदंत बेले थाना रे सामाजिक दूरता रखा को निर्देश देछंती पुलिस डीजी। निर्भया पांठिरु थाना रा सरंजाम किणबा को निष्पत्ति निया जाय छि। सारा राज्य रे आरंभ होई छि कोरोना चिन्हट अभियान। घर घर बुली लोकंक स्वास्थ्यावस्था जांच करुछंती आशा दीदी और एएनएम कर्मी। मोट 47,000 आशा कर्मी और 6,700 एएनएम कर्मी कार्य नियोजित अच्छा। जुलाई 31 तारीख पर्यंत चलो ए प्रक्रिया। राजधानी भुवनेश्वर में वार्ड वार्ड बुली लोकों स्वास्थ्यावस्था पचारि बुझुंट आशा कर्मी और एएनएम। प्रथम दिन में 12 नंबर वार्डर 40 जन स्वाब टेस्ट पठाई से कटक सहर से भी आरंभ हो लोकों स्वास्थ्य परीक्षा। प्रति साहि और बस्तीर घर को घर बुली आशाकर्मी लोकों ठार कोरोना लक्षण अच्छी कि ना से तथ्य संग्रह करुछंती। कोरोना आक्रांत संख्यारे आगुआ थिबा गंजाम जिलार सबु अंचलरे आरंभ होई जायछि कोरोना चिन्हट अभियान। हिंजिलीर विभिन्न गांरे घर को घर बुली आशा दीदी और एएनएम लोकों स्वास्थ्यावस्था बुझिछंती। एबडे जगतसिंहपुर, भद्रक, जाजपुर, रायगढ़ जिले स्वास्थ्यकर्मी लोकों स्वास्थ्य परीक्षा करिबा सह कोरोना संक्रांत में सचेतन कराउछंती। जाऊँ घर घर बुल एनएम दीदी जाऊँच आम अंगनवाड़ी आशा दीदी कार थंडा खास ज्वर होती जी जार सिम्टम बाहर टेस्ट पर नहीं कि आज जन को लेकिन से सब डोर टू डोर से माने बुली सर्वे करेंगे जो भी लोक मैंने होम क्वारंटाइन अच्छा से माने भाव में क्वारंटाइन नॉर्म्स पालन करुछंती ताकू मध्ये से माने करिवे। घर को घर जो मैंने करेन्ट टाइम अच्छा से मानकर घर को घर जाइरी आमर मैडम मैंने आसछंती, सार मैंने आसछंती, एनएम दीदी आसछंती, अंगनवाड़ी दीदी मैंने आसछंती, आम समस्त कार कौन सिम्टम बाहर आम भ्रमण करुछु। देश में गुरुतर आकार धारण कलानी कोरोना भाइरस। स्थिति मुकाबिला दुईट पर्यायर देशर समस्त मुख्यमंत्री आलोचना करुछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। मंगलवार पंजाब, आसाम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश और समस्त उत्तर पूर्वांचल राज्यगुड़िकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आलोचना होई जो प्रधानमंत्री कहते मास्क, दुई गजर दूरता और सानिटाइजर व्यवहार करिबा जरूरी। बिना मास्क रे घर न बाहर को परामर्श दे प्रधानमंत्री। टिकिए असावधानता आमर सबु चेष्टा को पानी रे पकाइदेव। आमे जदि सबु नियम पालिबा तेबे खूब कम क्षति हेब। सेपरि कोरोना लड़ेर विश्लेषण बेले आमर भूमिका को देखाजीव। आमे सहयोगमूलक संघीय व्यवस्थार उदाहरण सृष्टि करिबा बोली मोदी कहिछंती। आसंताकाली महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिमबंग, कर्णाटक, बिहार, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और ओडिशार मुख्यमंत्री आलोचना करिबे प्रधानमंत्री। बीते दो हफ्ते के अनलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहे, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम नुकसान होगा। मास्क या फेस कवर उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। बुधवार मुख्यमंत्री द्वितीय पर्याय आलोचना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायकों मध्य आलोचना। सारा देश में अनलॉक एक लागू होता बेले राज्य में एवं भी लॉकडाउन और साप्ताहिक शटडाउन जारी रही। तेणु राज्य में अनलॉक स्थिति लागू हेबो कि अधिक कटकणा जारी करा जिवो से नहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भितर आलोचना हो पारे। केन्द्र निकट में राज्य आर्थिक सहयोग लोड़ा सह मुख्यमंत्री जीवन जीविका कथा रखिबे बोली कहिछंती बीजेडी उपसभापति प्रफुल्ल घड़ाई। कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय कहिछंती प्रधानमंत्री निकट में टेस्टिंग कैपासीटी
वृद्धि सह मेडिकल संग्रजाम जोगाइबा मुख्यमंत्री दावी करिबा दरकार। बीजेपी साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन कहिबा कथा राज्यर बृहत्तर स्वार्थ दृष्टि मुख्यमंत्री प्रस्ताव रखिबा दरकार। सुरक्षा पाई बहुविध कटकणा ग्रहण कला बेलू जीविका मध्य बाधाप्राप्त हो जीएसटी प्रवर्तन पर राज्य सरकार आय जेहेतु सीमित हो जाए आयर सुजोग सीमित हो जाए केन्द्र सरकार सब साय देवाक आगे इसमें दरकार आमर निहाती दरकार टेस्ट सेंटर अधिया करा जाओ जो 15,000 मुख्यमंत्री कही 15,000 सेंटर करा जाओ टेस्ट करा जाओ एवं मागणा तांकु खाया पिया को दे मेडिसिन दे भल कर घर छड़ा जाओ। समस्त राज्यर आग्रह को लेकिन समस्त राज्यर इच्छा जहाँ थी एवं सिचुएशन जहाँ थी से बाबद चर्चा हालापर जहाँ निष्पत्ति आसो सर्वभारतीय स्तर में गोटे कमन निष्पत्ति समस्त को सुहाइला भाई गोटे जो फेडराल सिस्टम अनुकूल है गोटे निष्पत्ति समस्ते मिलमिशिक से समय सारी बुलेटिन को खबर देखा लगअन करूँ news18odia.com नमस्कार।